जैन दोस्तों कैसे आप सब। आई एम बैक ऑन माय कैलकुलेटर सीक्रेट्स वीडियोस। सो इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू डू इंटरपोलेशन, जो कि हमारे एक्चुअरियल साइंस कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरीके से इंटरपोलेशन करना आता है कैलकुलेटर में। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक सम रेडी किया है, आप लोग सब वो देखिए। हम लोग अभी इसका इंटरपोलेशन करेंगे, लाइक 100 इज इक्वल टू 60 बाय 1 प्लस आई टू द पावर 5 प्लस 60 बाय 1 प्लस आई टू द पावर 10। लाइक मेरे को यहां पर कैलकुलेटर से वैल्यू चाहिए कि कितना इंटरेस्ट रेट में वैल्यू विल बी इक्वल टू 100। मेरे को LHS इज इक्वल टू RHS करना है। ओके तो मैं क्या करूंगा, RHS जो आप देख रहे हैं ना, RHS जो यहां पर आप देख पा रहे हो, मैं ये पूरे RHS को मेरे ये वाला सॉरी हमारा जो RHS है, ये जो हमारा पूरा RHS है, मैं इसको डाल दूंगा पूरे कैलसी में, मैं इसको पूरे कैलकुलेटर में डाल दूंगा। तो आप लोग प्लीज ये सम नोट डाउन कर लें, आप लोग प्लीज ये सम नोट डाउन कर लें, आप लोग प्लीज ये सम नोट डाउन कर लें। तो लाइक 60 बाय 1 प्लस आई टू द पावर 5 प्लस 60 बाय 1 प्लस आई टू द पावर 10 इज इक्वल टू 100। हम लोग अभी इसका इंटर दो कि ये श्रीधर आचार्य से भी सॉल्व हो सकता है, बट मेरे को सिर्फ एक सिंपल सा इक्वेशन लेके समझाना था कि किस तरीके से कैलकुलेटर में इंटरपोलेशन होता है। तो ये हमारा इक्वेशन, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, होप सो। 100 इज इक्वल टू 60 बाय 1 प्लस आई टू द पावर 5 प्लस 60 बाय 1 प्लस आई टू द पावर 10। सो नाउ वी स्टार्ट कि किस तरीके से कैलकुलेटर में इंटरपोलेशन होता है। आप देखिएगा, मैं सबसे पहले मोड वाला बटन दबाऊंगा। सबसे पहले कैलकुलेटर को, जैसे भगवान को जब पूजा करते हैं, कैलकुलेटर आपके लिए भगवान है, भगवान का पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, सब कुछ बढ़िया से करके फिर हम कैलकुलेटर में हाथ देते हैं ना, तो वो यहाँ पर करना है। हाथ धोने का मतलब क्या, सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, 9 दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, 9 दबाएंगे, 3 दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, इसी दबाएंगे। इसका मतलब क्या है, हे भगवान हमने जितने भी कल कैलकुलेटर में पाप किए सबको आप धो देना। तो वो अभी हमारा कैलकुलेटर एकदम पूरा साफ हो गया। नाउ लेट्स बिगिन। मैं मोड दबा रहा हूं, अब मैंने आपको COMP मोड में काम करना सिखाया, मैंने आपको स्टैट मोड सिखाया, एंड नाउ देयर इज मोड 3 व्हिच इज टेबल मोड। तो मैं 3 दबाऊंगा। अब यहां पर कैलकुलेटर आपको बोल रहा है आपका जो भी फंक्शन है उसको आप एंटर करिए। ओके तो वो जो आई है ना, आप देख पा रहे हो कैलकुलेटर में कहीं पर भी आई नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो भी वेरिएबल खोजना होता है ना, हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं। हम लोग को जो कोई भी वेरिएबल खोजना होता है हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं। तो यहां पर मेरा आई विल बिकम एक्स, यहां पर मेरा आई विल बिकम एक्स। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको कैसे करना है, आप लोग जब देखिए, मैं क्या करूंगा, मैंने दबाया 60, मैं पूरा फंक्शन, मेरे को पूरा RHS को एंटर करना है, और मेरे को एक ऐसा इंटरेस्ट रेट खोजना है जहां पर मेरा ये जो RHS है इसका वैल्यू 100 हो जाए। करेक्ट ओके तो 60 बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, अब x कैसे लाए मैंने आपको सिखाया है, अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर 5। 60 बाय, मैंने डिवाइड वाला बटन दबाया, डिवाइड वाला बटन कहां से आता है, ABS के नीचे वाला, ये जो डिवाइड वाला बटन है ये सिर्फ आपका स्टैट मोड में ढंग से काम नहीं करता लेकिन बाकी सारे मोड में ही काम करता है। अब मेरे को ऊपर जाना है तो मैं राइट वाला बटन दबाऊंगा, मैं राइट वाला बटन को दो बार दबाया, मैं बीच में आ गया। प्लस, गलती मत कर देना कि तुम लोग यहां पर प्लस करके कुछ कर दो, ना 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 ना, डिलीट मार के राइट दबाएंगे तो एकदम बीच में आके फिर मैं प्लस करूंगा। 60 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर 10। तो 60 बाय 1 प्लस आई टू दी पावर 5 प्लस 60 बाय 1 प्लस आई टू दी पावर 10। अब ये मैंने डाल दिया, अब कैलकुलेटर देखो मेरे से बातें करेगा, इक्वल टू दबाया। अब कुछ आगे मेरे से आगे मत बढ़ना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे से आगे मत बढ़ना। स्टार्ट बोल रहा, बोले शुरू कहां से करूं, लाइक कैलकुलेटर बोलना चाहता है कि कहां से कहां तक वैल्यूज स्टार्टिंग में सर्च करना स्टार्ट करें। तो मैं बोलता हूं चलो भैया 1% से स्टार्ट करते हैं। तो 1% का मतलब क्या होता है, 0.01। मैंने कैलकुलेटर को क्या बोला, कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर जी चलिए 1% से स्टार्ट करते हैं। तो उसने 1% से स्टार्ट किया, इक्वल टू एंड, आगे मत बढ़ जाना नहीं तो धमाल वाला सीन हो जाएगा। तो एंड का मतलब क्या है, बोल रहा कहां खत्म करूं कैलकुलेटर, एक बार में आपको लाइक 20 वैल्यूज एकदम ढंग से इंटरपोलेट करके देता है। तो लेट्स एंड इट एट 0.2, 0.2 मतलब समझ गए 20%। एंड मेरे को कितने के गैप में वैल्यूज चाहिए, लाइक मेरे को ऐसे चाहिए, देखो मेरे को आंसर ऐसे चाहिए 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, मेरे को ऐसे आंसर चाहिए। तो 1% से लेके 20% मतलब 20 वैल्यूज हो गया ना। तो मैंने एंड किया इसको 0.2 में। सर मेरे में तो 5 दिखा रहा है, बेटा वो डिफॉल्ट दिखा रहा है, आप 0.2 डाल के जब इक्वल टू करोगे ना तो वो 0.2 ही लेगा। मैंने स्टार्ट किया 0.01 से, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, मैंने स्टार्ट किया 0.01 से,
मैंने एंड किया पॉइंट टू में, एंड अब स्टेप पूछ रहा है, एंड अब वो स्टेप पूछ रहा है, स्टेप मतलब कितने के गैप में इंटरपोलेट करूं, तो कितना गैप मेरे को चाहिए, 1% के बाद मेरे को चाहिए 2%, 2% के बाद चाहिए 3%, सो व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज, द डिफरेंस इज पॉइंट, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूं, द डिफरेंस इज 1%, सो 1% का मतलब क्या होता है 0.01, तो मैं स्टेप डालूंगा 0.01, समझ में आप लोग सबको, मैंने क्या किया है, लाइक मैंने स्टार्ट किया 1% से, 1% के बाद मेरे को चाहिए 2%, तो मैंने क्या किया 2% माइनस 1%, तो मेरे को गैप चाहिए, 1% के गैप पे मेरे को वैल्यूज चाहिए, तो 1% मतलब क्या होता है 0.01, तो उसका मतलब होता है स्टेप, लाइक कैलकुलेटर मेरे को कुछ इस तरीके से वैल्यूज इंटरपोलेट करके देगा, जब मेरा आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा 0.01, 0.02, 0.03, डॉट 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 0.2, समझ में आ रहा है, तो मैंने इसलिए स्टार्ट कहां से किया 0.01, एंड कहां पर किया 0.2, और मैंने स्टेप कितना का डाला 0.01, ओके, सो दिस इज इट इक्वल टू, अब देखो कैलकुलेटर का स्क्रीन आपका थोड़ा देर उड़ जाएगा, सो आ जाए तो मेरे को बता देना, अब मेरे को इंटरपोलेशन में क्या करना होता है ना, एक ऊपर का और एक नीचे का वैल्यू खोजना होता है, जैसे मैं यहां पर जा रहा हूं, अब देख पा रहे कि 2% में आंसर कितना था 103.56, एंड 3% में आंसर कितना आ रहा है 96.402, तो मेरे को इसे इतना तो समझ में आ गया कि माय आंसर इज समवट बिटवीन 2% एंड 3%, राइट, तो अब मेरे को 2% और 3% में और बारीकी से देखना पड़ेगा, तो मैं फिर से इंटरपोलेट करूंगा 2% और 3% के बीच में, आप लोग देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूं नीचे नीचे करके, मेरा आंसर क्या था 100, मेरा आंसर क्या था 100, तो मैं 100 के एक ऊपर का देखता हूं और एक नीचे का देखता हूं, अब मैं फिर से एसी दबा दे रहा हूं, बिकॉज मेरे को पता चल चुका है कि मेरा आंसर किसके और किसके बीच में आने वाला है, बट एग्जैक्ट तो आंसर नहीं पता चला ना कि कितना पे एग्जैक्टली 100 आ रहा है, तो मैं फिर से इंटरपोलेट करूंगा, देखो किस तरीके से, अब मेरे को आंसर चाहिए कुछ इस पैटर्न में, अब मेरे को जो आंसर चाहिए, सॉरी जस्ट वेट, अब मेरे को जो आंसर चाहिए वो कुछ इस तरीके से चाहिए, अब मेरे को आंसर चाहिए 0.02, 0.021, 0.022, मेरे को आंसर कुछ इस तरीके से चाहिए, लाइक मेरे को आंसर चाहिए 2%, 2.1%, 2.2%, तो मेरा स्टार्ट कहां से करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा 0.02 से, मैं एंड कहां पर करूंगा 0.03, बिकॉज देर इज नो पॉइंट गोइंग बियॉन्ड 0.03, आर यू गेटिंग द पॉइंट फैक्टर, सो 0.02 से स्टार्ट करेंगे, 0.03 पे एंड करेंगे, एंड व्हाट इज द स्टेप, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, तो बताना क्या है, बताना क्या है, पॉइंट, व्हाट विल बी द स्टेप, 0.001, 0.001 इज, अच्छा पहले मेरा स्टेप क्या था 0.01, अब मेरा स्टेप क्या हो रहा है 0.001, बिकॉज मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं, सो मैं कैलकुलेटर में जाता हूं, सो आप लोग देख सकते हैं मैंने एसी दबाया था, अब मैं फिर से इक्वल टू दबा रहा हूं, अब कैलकुलेटर मेरे से बातें कर रहा है, फिर से बोले स्टार्ट कहां से करूं, सो 0.02, एंड कहां, खत्म कहां करूं 0.03, स्टेप कितना का डालूं 0.001, सो इफ आई प्रेस इक्वल टू अगेन आई गेट द आंसर, सो अब मेरे को फिर से देखना है कि 100 कहां पर आ, देखो ये रहा 2.4% पे 100.62 आ रहा है, राइट, एंड 2.5% पे आ रहा है 99.9 आंसर आ रहा है 99.9, तो बताइएगा कि कमेंट में टाइप कीजिएगा प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कितना में आंसर क्लोज आ रहा है 99.9 ना 100.6, प्लीज बताइए, बताइए 99.9 ना 100.6, 99.9 इज द करेक्ट आंसर, तो माय आंसर, अब सर आप इतना, आपने तो बोला कि एग्जैक्टली करेंगे, बेटा आप फिर से एक बार फिर से करके देख सकते हो, जनरली इट इज नॉट एडवाइजेबल, बट लाइक आई वॉन्ट द आंसर समवॉट 2.5%, लाइक अगर आपको यहां पर नहीं मिल रहा होता, लाइक आंसर कुछ ऐसा होता 98 होता, तो आप फिर से बार इंटरपोलेट करते सेम चीज, लाइक और बारीकी में आप जा सकते थे, जनरली पॉइंट के बाद दो बार इंटरपोलेशन करना इज इनफ, पॉइंट के बाद मतलब लाइक 3.25, तो टोटल में आपको 3 बार इंटरपोलेट करना है, बट यहां पर मेरा 2 बार इंटरपोलेट करने से ही आंसर आ गया, बिकॉज देख रहे 99.9 आंसर आया, तो माई करेक्ट आंसर शुड बी
सो माई करेक्ट आंसर शुड बी 2.5%. दिस इज द आंसर. जनरली 3 बार इंटरपोलेट करना इज गुड, बट यहां पर मेरा 2 बार करने से ही एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो आई विल स्टॉप हियर. सो दिस इज अ वीडियो ऑन हाउ टू डू इंटरपोलेशन ऑन कैलकुलेटर, एंड दिस कंप्लीट्स माय कैलकुलेटर सीक्रेट्स सीरीज. अगर आपको और कोई भी कैलकुलेटर में दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू कैन रीच मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर विच इज 8100598543, 8100598543. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.